सो गाइस, ये है मेरा आर्मेनिया का पहला व्लॉग। ये वो जगह है जहाँ पे हम रहते हैं। यहाँ पर बहुत बर्फ़ गिरती है, बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरती है। आज कुछ बर्फ़ कम है, तो मैंने सोचा कि आज से क्यों ना हम वीडियो बनाएं आप लोगों के लिए, तो आप लोग को यहाँ के नज़ारे दिखाएं। अब हम जाएंगे घूमने के लिए। कंट्री बहुत खूबसूरत है, तो तुम लोग को दिखाएंगे नज़ारे एक से एक। बहुत दिन के बाद आज गाइस यहाँ पे धूप निकली है, बहुत दिन के बाद यार, चार पांच दिन के बाद हमारे लिए। तो ये वो जगह है जहाँ पे मैं जॉब करता हूँ, बस मेरे घर से थोड़ी दूरी पे बिजनेस पार्क, क्योंकि आज है 26 जनवरी और यहाँ पे तो छुट्टी ऑब्वियसली देंगे नहीं, तो मैंने खुद से करी है छुट्टी घूमने के लिए, और बर्फ़ भी नहीं थी तो व्लॉग बनाने के लिए छुट्टी की है। सब अपने जैसा ही है यहाँ पे भी, लेकिन यहाँ पे सफाई बहुत ज़्यादा है और यहाँ पर ट्रैफिक रूल्स का पालन अवश्य करें, किया जाता ही है। गाड़ियाँ भी बहुत भारी भारी यहाँ पे, जो गाड़ियाँ अपन ने देखी नहीं है, इस साइड से चला जा, इस साइड से गाड़ी दिखाते हैं। ये सब गाड़ियाँ, ये गाड़ी येलो यहीं खड़ी रहती है, ये गाड़ी में मैंने गाना भी शूट किया है। और यहाँ पे मर्सिडीज़, ये वो जितनी गाड़ी है, यहाँ पे कचरा है बहुत खड़ी रहती है, पूरे हर जगह यही सब गाड़ी मिलेगी, बिल्डिंग्स, अच्छा माहौल है। और ज़्यादातर यहाँ पर अगर देखा जाए ना, तो लड़कियाँ काम करती है लड़कों की तुलना में, है कि नहीं भाई? लड़कियों की जनसंख्या ज़्यादा है, लड़कियों की जनसंख्या ज़्यादा है यहाँ, लड़कियाँ ज़्यादा काम करती है। और आप लोग सोच रहे होंगे ये मेरे साथ कौन है, तो ये मेरा भाई है साहिल, छोटा भाई, छोटा भाई। मम्मी पीछे आ रही है, भाई पीछे आ रहे हैं। और यहाँ पे मॉल हो चाहे कुछ भी हो, चाहे यहाँ लड़कियाँ ज़्यादा काम करती है लड़कों की तुलना में, लड़के भी करते हैं ऐसा नहीं, लेकिन लड़कियाँ ज़्यादा करती है। यहाँ पे बहुत बर्फ है, यहाँ पे अब तक बर्फ सीखी हुई है भाई, अभी धूप पड़ेगी। बस और थोड़ी दूरी पर बस स्टैंड है यहाँ पे, और अभी मेरा भाई देख रहा है लोकेशन कहाँ से कैसे जाना है बस का, लेकिन लगेगा एक पर्सन का 100 रुपये, एक आदमी का 100 रुपये लगेगा, चाहे तुम पूरे शहर में कहाँ से कहाँ तक भी जाओ, सिर्फ 100 रुपये लगेगा एक का, इंडिया का 21 रुपया, पूरे शहर में कहाँ से भी कहाँ तक घूमो, सही है ये रूट। तो गाइस, यहाँ पे आपको कहीं भी जाना पड़े तो इंडेक्स मैप है, तो उसमें अपना लोकेशन लगा के कहीं भी जा सकते हो, बस में जाना है बस में जा सकते हो, उसमें टाइमिंग लिखी होती है कि कितने नंबर बस जाएगी और किस टाइम पर जाएगी, अगर आपको टैक्सी करनी हो टैक्सी कर सकते हो ये इंडेक्स पर से। तो अभी हम बस में जा रहे हैं, एक नंबर बस आएगी, इसकी टाइमिंग है 8 बजे के बाद बस आएगी एक नंबर, घूमेंगे रात को भी घूमेंगे। यहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ी हुई है, 2-4 दिन से बहुत बर्फ़ पड़ रही थी, आज फिलहाल स्नोफॉल थोड़ी कम हो गई है, बाकी जैसे जैसे धूप पड़ेगी तो जल्दी जाएगी और ठंड बढ़ती जाएगी। गर्मी यहाँ बोलते हैं नहीं होती है वैसे, देखते हैं बाकी जैसे जैसे महीने बीतते हैं। बाकी बहुत मज़ा आ रहा है आर्मेनिया में आकर, अभी हम जा रहे हैं मदर आर्मेनिया, मदर आर्मेनिया, यस ब्रो, यस। सो अभी बस स्टॉप पे जा रहे हैं, बस की वेट करेंगे, इंडेक्स पे देखेंगे कितने टाइम पे आएगी। सो गाइस मिलते हैं बस में। फाइनली गाइस बस के अंदर आ गए हैं, घर के बर्तन तक बिकवा दूंगा, समझा?
आपसे मुकाबला नहीं करते बेटा, फिर भांडियो भांडियो करता फिरेगा गली गलियों में। हाँ, ये लोग भाई बनते तब जब एक क्वार्टर अंदर, एक क्वार्टर अंदर ये एरिया के बाप बनते। बातें इनके सुनने लाइक दूसरा राग देते, दूसरा राग देते। मैंने लगता इनके नाद में, ये लोग एड़े चाले करके फंसाने का सोचे कांड में। इनके तारे हैं डिमांड में, इनके तारे हैं डिमांड में। तो पूरा हाथ खड़े करा दूं मैं जहाँ पे खड़ा होता, गैंगस्टर के लिस्टों में नाम लागू होता। एरिया के लड़के मुझे भाई मानते हैं, बाकी जलने वाला साला मेरे को देख देख के रोता। बदनाम मेरा नाम, मेरा नाम काफी है, दुश्मनी पाली मैंने हक से पाली है। बोल बचन छानपट्टी बहुत करते आज कल लोगों का क्या है, अरे लो जलिए। मैंने तो सोचा था बर्फ नहीं होगी, लेकिन यहाँ पे तो चारों बाजू बर्फ ही बर्फ है। जहाँ तक नजर जा रही है बर्फ ही बर्फ है। बर्फ गिर नहीं रही लेकिन बर्फ होते तो भी आप लोग को आगे का नजारा घुमाते हैं। कड़क 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 बहुत ठंडी लग रही है। लेकिन ये देश के बारे में कुछ बोलो भाई, कुछ बताओ, क्योंकि मेरे से पहले आप यहाँ पे रुके हो। देश भाई बहुत अच्छा है, घूमने की जगह है, अगर किसी को घूमने आना हो आ सकता है। बाकी बर्फ बहुत पड़ती है भाई यहाँ पे, बहुत ज़्यादा। यहाँ के लोग बहुत अच्छे, और मेन बात ये है कि इन लोग को इंग्लिश नहीं आती। अगर हम इंग्लिश में इनसे बात करते हैं तो इन लोग को ट्रांसलेट करके ही समझाना पड़ता है कि हम ये बोल रहे हैं, क्योंकि इनकी लैंग्वेज अलग है। और लोग बहुत अच्छे हैं यहाँ के, इंडियन लोग की बहुत इज्जत करते हैं ये लोग, बहुत ज़्यादा। जब से मैं आया हूँ देख रहा हूँ, मेरी किससे जान पहचान हो या ना हो, लेकिन वो मुझे बहुत सपोर्ट कर रहा है। पाजी को बहुत सपोर्ट कर रहा है, इंडियन लोग को बहुत सपोर्ट करते हैं यहाँ पे, और हर एक चीज़ के लिए। हाँ, जाहिर सी बात है कि मेरे दोस्त लोग जो है वो लोग बोल रहे होंगे कि तू रशिया में है ये वो, तो मैं रशिया में नहीं हूँ ब्रो, मैं हूँ आर्मेनिया में। है हरियाली यहाँ पे, हरियाली है, जो तुम्हारे दिमाग में चलता है, जो तुम्हारे मन में चल रहा है, हरियाली यहाँ पे है। वीडियो में बोल नहीं सकते, लेकिन बहुत भारी भारी शॉट है, बहुत भारी भारी शॉट है। कुछ दोस्तों ने बोला था मैं भी आऊँगा, लेकिन जिस टाइप का जॉब यहाँ पे मैं करता हूँ, ग्राफिक्स का काम करता हूँ यहाँ पे, वो लोग कर नहीं पाएंगे। तो लोग के आने का मतलब कुछ है नहीं यहाँ पे। दूसरा कंस्ट्रक्शन लाइन का काम होता है, वजन विजन उठाने का, ये वो जमेगा तो आओ सपोर्ट करने के लिए, मैं बैठा हूँ। बाकी मैं तो पीसी पे काम करता हूँ। तो नज़ारे बहुत भारी भारी है, और भी तुम लोगों को घुमाता हूँ यहाँ पे। जैसे तुम आओगे अंदर, अभी सब ओपन ही हो रहा लगता है, ये एंटी ओपन ओपन कर रही है सब। और ज़्यादा पब्लिक है नहीं आज, ज़्यादा क्या पब्लिक ही नहीं है। हम दोनों ही भटक रहे हैं। जहाँ पे हम रहते ना वहाँ पे इतनी ठंडी नहीं है, मतलब ठंडी है इतनी बर्फ नहीं है। बर्फ गिरती है पिघलती है, गिरती है पिघलती है। ये पहाड़ी इलाका है, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे वैसे इतनी ज़्यादा बर्फ गिरती है। बाप रे, ठंडा इलाका है बहुत, पब्लिक है नहीं ज़्यादा यहाँ पे। और भी तुम लोग को मैं घुमाता हूँ यहाँ पे। भाई एरिया का नाम क्या? मदर आर्मेनिया। नहीं नहीं, एरिया का नाम, एरिया का नाम भाई, मेरे को लोकेशन देख, लोकेशन में देखो ना। तो मेरे को तो कुछ समझ में आ रहा नहीं है कहाँ घूम रहे हैं कहाँ नहीं। भाई सब हर जगह बर्फ ही बर्फ दिख रही है यार। अपन भी आए ले काजल विजल मार के उल्लास नगर से, क्या मचा रहे पब्लिक। क्या कौन सी पब्लिक? ये भाई पंजाब से अपने, याद नहीं ब्रो, हरियाणा से, हरियाणा से, सॉरी वही पंजाब हरियाणा। क्या बोलते हैं पब्लिक, मेरे गाने सुनते जाओ, यही चैनल पे गाने भी ना डालते जाऊंगा, जैसे जैसे टाइम मिलेगा व्लॉग भी बनाते जाऊंगा, गाने भी डालते जाऊंगा, गाने भी सुनते जाओ, शेयर करते जाओ, नहीं क्या थोड़ा सपोर्ट करते जाओ तुम्हारे भाई को। थोड़ा नहीं, बहुत करो भाई, थोड़ा थोड़ा करते जाओ यार, बहुत मत करो। तो अभी थोड़ी बहुत हल्की हल्की धूप से निकल रही है, और सूरज हो रहा मेरे पीछे, फिर छुप गया। कुछ तो है नहीं यार यहाँ घूमने के लिए, बर्फ ही बर्फ दिख रही है, जो भी ये दिखाता हूँ तुम्हें। अंकल पता नहीं क्या बेच रहे हैं, गाना तो बोल सेक्सी लगा है,
बिल्ला म्यूजिक लगेगी। आजा भाई थोड़ा फास्ट आ जाओ। कोई है ही नहीं यार ज्यादा, अब पता नहीं क्या चीज है, बस हम भी घूमने आ गए। मेरे को लगता है ये पार्क है बच्चों का और हाल फिलहाल में बंद है। हाँ ये पार्क ही है। अच्छा ठीक है, इससे भारी अपना उल्लासनगर है भाई। हाँ पब्लिक तो यहाँ पे है नहीं, बर्फ ही बर्फ है चारों ओर। अपने यहाँ पे दोपहर में भी पब्लिक मंडराती रहती है, नहीं क्या चौक पे इधर उधर, यहाँ पे इतनी पब्लिक है नहीं। जो भी बोलो, बाकी अपना शहर है, अपना भारत एक नंबर। उल्लासनगर एकदम हार्ड, चकलोट बिकलोट है देखो यहाँ पे। वेट आगे जाके दिखाता हूँ। सब बंद है, सब बंद है, चकलोटे ये सब चालू नहीं है। और आऊँगा यहाँ पे, जब चालू होगा ना तब एक बार और आऊँगा, तब यहाँ पे आएगी लड़कियाँ एक से एक, लोग भी एक से एक होंगे। तो मेरी माँ मेरी बहन भी देख रही होगी ये वीडियो, तो ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं। है झूले बिले थोड़े बहुत यहाँ पे, नहीं क्या थोड़े बहुत तो नहीं ज़्यादा ही, बच्चों का पार्क ही है। मेला वेला जैसा अपन बोलते हैं अपने इधर लगता है, शिव मेला जैसे लगता है वैसे ही कुछ टाइप का दिख रहा है मेरे को। गाइस वाइस मत बोल यार ज्यादा, पब्लिक अपनी हार्ड है। गाइस वाइस पाजी अपने इधर चलता रही है ज्यादा, अपने इधर फारवा लाइन बोलते फारवा लाइन उल्लासनगर MH05 वाले। ओहो एक मिनट, तुम लोगों को साइड से दिखा दो क्या शॉट है। देखो और जो भी है यही लग रहा है, आगे आगे घूमते जाएंगे, आगे पुलिस पुलिस खड़ी है मेरी नजरों से देखोगे तो, वो दूर जो भी है यही लगता है। सब बंद है, मेरे को लगता है ना बर्फ पिघलेगी तो चालू होगा शायद, संडे विंडे के दिन चालू होगा। अभी बर्फ की वजह से सब बंद है, सब कुछ बंद है। जाहिर सी बात है यार, दूर दूर तक बर्फ ही बर्फ दिख रही है, क्या चालू होगा, मशीन वशीन चालू कहाँ से होगी। आया हूँ उस टाइम पे छुट्टी करके, खास करके क्योंकि आज 26 जनवरी है, काम मेरे को करने का नहीं था ना पाजी को करने का था। हमारे देश में छुट्टी है तो मैंने बोला यहाँ पे भी होना ही चाहिए छुट्टी। उन लोग ने दिया नहीं है, हम लोग ने करके है बंक मार के है, उन लोग ने बोला आज हम लोग नहीं आएंगे, हमारा त्यौहार है छुट्टी करेंगे। कुछ ज़्यादा बोले नहीं वो लोग, बोला ठीक है तुम्हारी मर्जी। तो मैं बोला चलो घूम के आते थोड़ा, गिरो गिरो मत भाई हमारे ऊपर। अरे भाई यहाँ पे मेरे को मालूम भी नहीं है हॉस्पिटल कहाँ पे, ये वो बर्फ़ में बहुत ज़ोर से लगता है। के जो लोकेशन है ना, ये जगह इस स्टैचू के लिए फेमस है, सॉरी ये जो जगह है ना इस स्टैचू के लिए फेमस है। सामने से जाके दिखाता हूँ तुम लोग को क्या है क्या नहीं। यहाँ पे तो बहुत सारी पुलिस खड़ी है, अब पुलिस क्यों खड़ी है वो मुझे भी नहीं पता, जाके देखना पड़ेगा अलाउड करेंगे कि नहीं अंदर जाना। रास्ता बंद है भाई वहाँ पे, वो देखो रास्ता भी बंद है, और जाने देंगे नहीं जाने देंगे, एक तो इनकी भाषा समझ में आएगी नहीं, इंग्लिश बोले तो समझ में भी आए, जाने तो दे रहे हैं ना तो कर नहीं रहे ना कुछ बोल रहे, जाने तो दे दिया, कुत्ता देख रहा देखो एक नंबर कड़क। यही जगह थी घूमने के लिए, और भी काफ़ी जगह है धीरे धीरे जैसे अपने को मालूम पड़ता जाएगा, जैसे जैसे टाइम मिलते जाएगा नहीं क्या अपन घूमते जाएंगे, उन लोग के दिखाते जाऊंगा। ठंडी बहुत है यार यहाँ पे, बहुत ठंडी है बहुत। देखो रॉकेट है और स्टैचू है, ऊपर से दिखाता हूँ और नज़दीक जाके। आ जा पाजी इधर, गाड़ी है
प्लेन है और एक टैंकर है जैसा अपने यहाँ पे होता है। स्टैचू के अंदर जा रहे, देखो कपल, जाने देंगे नहीं जाने देंगे, अलाउड है जाना, अलाउड है, मैं भी जाता हूँ, मैं भी जाके देखता हूँ, पहले बार बार से घूम लेता हूँ फिर अंदर जाके दिखाता हूँ क्या शॉट है क्या नहीं। इन लोग ने तो दरवाजा बंद कर दिया अंदर जाके, ये क्या शॉट किया लोगों ने, तो जाके देखता हूँ अंदर। ये आर्मेनिया के टैंकर अपने इधर इससे भारी भारी है, ऐसी बना के रखिए स्टैचू के लिए। बर्फ देखो पिघल के कैसे हो गया, ये एक्चुअली पानी होगा जो पिघल के, ओ जो जो भी एक्स वाई जेड देख लो स्टैचू, ये इनका तिरंगा। ये इंग्लिश में कुछ तो लिखा हुआ है, और ये इनकी भाषा में, इनकी लैंग्वेज देखो ऐसी होती है, समझ में आएगा तो पढ़ लो। इंग्लिश भी है, नहीं इंग्लिश नहीं, हाँ इंग्लिश है, बीच में इंग्लिश है, ये इंग्लिश है और ये इनकी भाषा है, और ये भी इनकी लैंग्वेज में लिखा हुआ है कुछ तो, समझ में आएगा तो देख लो। आज भी खोल रहे हैं, पूछ रहे हैं उनसे कि हमको अलाउड है या नहीं, देखें एक मिनट, बंद कर दिया, ताला ही मार दिया नहीं रहने तो फिर जाने दो, बार बार से घूमते, जब ओपन होगा तब आएंगे, शायद ये हो सकता है मैं भी वहाँ के कर्मचारी हूँ, मतलब काम करने वाले। देखें अब ये गाड़ियाँ खड़ी है, ये नज़ारा है, वहाँ प्लेन खड़ा है उसका, आर्मेनिया का, बस। और तो मुझे कुछ खास जगह लगी नहीं घूमने के लिए, क्योंकि बर्फ़ ही इतनी है, हर जगह सफ़ेद सफ़ेद वाइट वाइट सब दिख रहा है, जब ही थोड़ी बहुत बर्फ़ पिघले वापस खुलेगा पार्क तभी वापस आएंगे घूमने के लिए, तभी तुम लोगों को दिखाऊंगा यहाँ के नज़ारे। पब्लिक भी नहीं है ना कुछ, थोड़े बहुत लोग होंगे यहाँ पे काम काम करने वाले, और थोड़ी बहुत पब्लिक आ रही है, बस यही शॉट है यहाँ पे। बर्फ ही बर्फ है ब्रो, हर जगह बर्फ ही बर्फ है, हद तक नजर जा रही है, बर्फ ही बर्फ है, हर जगह बर्फ है। आओ तो मोटे मोटे जाड़े जाड़े कपड़े लेके आओ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे गर्मी मुश्किल ही पड़ती है, गर्मी मतलब जैसा अपने इंडिया में थोड़ा बहुत लो लो टाइप का, ज़्यादातर बर्फ तो नहीं गिरती लेकिन ठंडी रहती है, क्योंकि मैं जब आया था ना बर्फ नहीं थी लेकिन ठंडी फट्टे थी, बहुत फट्टे ठंडी थी। ओ एक लड़का आग जला रहा है, थोड़ा हाथी सेक लेता हूँ वहाँ पे, पाजी आ जाओ, चल कुछ तो सही काम किया, आग भी जला रही है पब्लिक यहाँ पे। मजा तो है यहाँ पे रहने का, घूमने का, लेकिन अभी बर्फ के कारण ज्यादा पब्लिक निकलती नहीं है, तो जब निकलना चालू होगी फिर अपन घूमते जाएंगे यहाँ वहाँ। वहाँ पे एक लड़के ने आग लगाई है, थोड़ा हाथ भी सेक के, हाँ मैंने वही बोला, वो लड़के ने भी, भाई इधर संभाल क्या नीचे, वो लड़के ने आग जलाई है, थोड़ा हाथ भी सेकते। हाँ ये कुछ जगह मुझे भी ऐसी लग रही है कि यहाँ पे फूल भी पड़े हैं और आग भी जल रही है, तो ये आग जलाई नहीं है, शायद जली रही थी। यहाँ पे कोई हैवी तो नहीं जिससे पूछें, और इन लोग को इंग्लिश आ नहीं रही है तो किससे कुछ पूछ के मतलब भी नहीं है। ट्रांसलेट करके पूछना पड़ेगा,
लेकिन कोई मिले तो ना, सब अपने में लगे हुए। सो यहाँ पे मुझे मिला एक बंदा, इसको पूछ के देखता हूँ, अगर इसको इंग्लिश आती होगी तो ये करेगा बात, नहीं तो ट्रांसलेट करके पूछेंगे क्या बोलता है क्या नहीं। हाउ आर यू ब्रो, यू स्पीक इंग्लिश? व्हाट, यू स्पीक इंग्लिश? नो, नहीं बोल रहा है इसको इंग्लिश नहीं आती, इनकी भाषा थोड़ी अलग होती है, और ये अपने अपने में रहते हैं, ज़्यादा छुपचाप भी रहते हैं, ज़्यादा बात नहीं करते किससे। ये एक नहीं, जैसे हम लोग बस में भी जाते हैं या हम जॉब पे भी होते हैं तो कोई किससे ज़्यादा बात नहीं करता, अपने आपस में भी लोग ज़्यादा बात नहीं करते, ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा चुप रहना पसंद करते। ये तो अपन लोग है ठीक है, बड़बड़ बड़बड़ करते रहते हैं क्योंकि चुप रहना अपने को आता नहीं है, तो बस यही। तो गाइस हमने लिए कॉफ़ी, और यहाँ भाई को आपे बोलते हैं, आपे, आपे ने बनाई है कॉफ़ी, कॉफ़ी एक नंबर बनाई है, बस मज़ा आ गई कॉफ़ी पी के, कुछ तो फ़ायदा हुआ नहीं क्या गरम गरम। यस यस, थैंक यू आपे, महंगी है लेकिन अच्छी है पार्क में ज़्यादा महंगी है। सो पाजी जैसा लगा घूम के? बहुत अच्छा भाई, लेकिन इंडिया जैसा कहीं नहीं। यस ब्रो, इंडिया इंडिया पूरा शांति है यार, यहाँ पे अपने जैसे बंदे शांति में रह पाएंगे क्या? कभी नहीं पूरा शांति शांति है, जहाँ देखो वहाँ शांति, कोई किससे बात नहीं करता। सही बात है भाई, सब अपने में, अपने जैसा उन लोगों का कल्चर नहीं, उन लोगों को जैसा अच्छा लगता है वो लोग वैसा रहते हैं। बाकी इंडिया और अपन कैसे कहीं सफर कर रहे हैं या कहीं घूमने जा रहे हैं, जब तक 10 जनों से बात नहीं कर ले तब तक अपने को चैन थोड़ी आता है। मैं भी उनमें से एक हूँ, मैं तो 50 लोगों से जाते जाते बात करता हूँ, यहाँ पे किससे बात करो, पहली बात लोगों को इंग्लिश आती नहीं है, और इंग्लिश आ भी गई तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा उनका जवाब मानेंगे क्या रहेगा, या ब्रो यू फ्रॉम, आई एम फ्रॉम इंडिया, दैट्स इट, इतना ही आता है उससे ज़्यादा इन लोगों को कुछ आता नहीं है। और घूमने के लिए काफ़ी जगह है यहाँ पर, बर्फ़ थोड़ी कम हो जाए, घूमेंगे, ब्लॉग भी बनाएंगे, घूमते भी रहेंगे, और मेरे गाने भी मैं डालते जाऊंगा यहाँ पर, यही चैनल पे डालते जाऊंगा, बस तुम लोग मुझे सपोर्ट करते जाओ, तुम लोग मेरे गाने सुनते जाओ, मैं रिप्रेजेंट करता हूँ उल्हासनगर को, फारवा लैंड जहाँ पे मैं रहता हूँ, मेरे गाने बहुत बहुत गाने आने वाले मेरे, सब्सक्राइब करो मेरा चैनल और शेयर करो दोस्तों में, और देखते जाओ ब्लॉग्स और गाने क्या कुलदीप सिंह लबाना। हाजी भाई बोल दो, बाय गाइस।